एक ट्वीट आया है, वह हम आपको बता दें। अजय चंद्राकर जो है पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने दो तिहाई बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनाई थी, सांडों की लड़ाई देखने के लिए नहीं। इस तरह की बात जो है अजय चंद्राकर कह रहे हैं, एक अजीबोगरीब सा बयान उन्होंने दिया है, क्या कहेंगे नितिन जी? जी निश्चित तौर पर अजय चंद्राकर भाजपा विधायक पूर्व मंत्री, वो हमेशा अपने इस तरह के बयानों के लिए चर्चा में बने रहते हैं और निश्चित तौर पर यह बोला जाएगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिला है कांग्रेस के इस अंतर्द्वंद के चलते, और विपक्ष इसको भुनाने में कहीं कमी नहीं कर सकता। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की एक्सक्लूसिव रिएक्शन हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं और उसके बाद अजय चंद्राकर का ये ट्वीट, विपक्ष को एक मौका मिला है चुटकी लेने में इस मामले में और अजय चंद्राकर ने उसी मौके का फायदा उठाकर नहीं, लेकिन एक बात, भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा अटपट लगता है। कितने वरिष्ठ वो नेता हैं अजय चंद्राकर, संतुलित भाषा में भी अपनी बात वो कह सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सांडों की लड़ाई देखने के लिए सरकार नहीं बनाई गई थी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुभने वाली बात हो सकती है, क्या कहेंगे? जी निश्चित तौर पर ये बोला जाए कि अजय चंद्राकर चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर या ट्विटर या फेसबुक पे अपने बयान देने के लिए, वो इसी तरह की असंसदीय या एक जिस पद जिस जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, जिस पद के नेता हैं उस भाषा का इस्तेमाल उनको कहीं शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल बोला जाएगा। लेकिन अपने इन्हीं तरह के बयानों के लिए और इस तरह के कमेंट के लिए वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, कभी गोबर से किसी की तुलना करते हैं, कभी कुछ, और अभी इस मौके पर उन्होंने इन आपकी जो प्रतिस्पर्धा चल रही है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इसको सांडों की लड़ाई की तुलना दी, ये कहीं ना कहीं इस वरिष्ठ एक बात और है जी, शोभा नहीं देती। जी जी नितिन जी, एक बात और भी है, अक्सर देखने में आता है, चाहे मध्य प्रदेश के मुतालिक बात की जाए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, कांग्रेस की अंदरूनी कलह गुटबाजी ही उसकी सबसे बड़ी जो है खामी है, और उसी की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और अभी भी छत्तीसगढ़ में भी यही कुछ सामने दिखाई दे रहा है कि आपस में ही जो है अंतर्द्वंद चल रहा है, खींचतान चल रही है, और मनभेद और मतभेद में खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को कुछ कहना या बीजेपी का कुछ करना उतना जो है असर नहीं करता, यदि नुकसान कांग्रेस का होना है तो वो खुद ही अपने आप ही वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और इस तरह बीजेपी का बीच में इस तरह का बयान देना, और खासतौर से जैसे अजय चंद्राकर जी ने कहा है, तो क्या कहेंगे? उकसाया तो बीजेपी ने ही था इस मुद्दे पर लेकर शुरू से ही कांग्रेस को। जी जी निश्चित तौर, अविनाश जी जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी, अकाल पंजाब की स्थिति आप देख लीजिए, 50 विधायकों के साथ कैप्टन अमरिंदर डिनर पे बोलते हैं, राजस्थान की बात कर लें या कहीं और की, आपकी गुटबाजी ही विपक्ष का मौका देती है कांग्रेस को पीछे धकेलने का। हालांकि भाजपा को एक पड़ोसी परिसाई भाई मिली है इनको वाद विवाद में, इनके वाद विवाद में बोलने का और जनता के बीच में इनके वाद विवादों को, इनके आखिरी द्वंद को पहुंचाने का, ये बिल्कुल। ताजा खबरों के साथ मैं बताना चाहूंगा, अभी अभी मीडिया को संबोधित किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पे, अविनाश जी उन्होंने अपने बयान में कहा है, अभी अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरे पास कल केसीएचयू वेणुगोपाल का मैसेज आया था कि मुझे आज राहुल गांधी से मिलना है, उनके निर्देश पे मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जयपुर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही क्षणों पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित किया है, अभी हम एयरपोर्ट पे हैं और ये हम थोड़ी ही देर में अपने दर्शकों तक उनकी बाइक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अहम कि केसी वेणुगोपाल का उनको एक मैसेज आता है और उन्होंने कहा उसी के तहत उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात है और वो उसी विषय में जा रहे हैं, ये जल्द से जल्द अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और ये मुख्यमंत्री का ताजा तरीन बयान। यानी कुल मिलाकर नितिन जी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मचा सियासी घमासान अभी फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा, और आज भी बहुत कुछ हैपनिंग्स होती दिखाई देंगे निश्चित तौर पर। नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। भूपेश बघेल भी रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए, केवी वेणुगोपाल का मैसेज आने की उन्होंने बात कही है कि उनके कहने पर वो दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से आज उनकी मुलाकात हो सकती है। तमाम विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के, विधायक जो हैं कांग्रेस के भूपेश बघेल के समर्थन में वहां पहुंच चुके हैं, एक तरह से दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, और अभी भी सिलसिला दिल्ली जाने वाले नेताओं का थमा नहीं है। विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी वहां जा रहे हैं,
संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी वहां पहुंच रहे हैं। और इसी पूरे घटनाक्रम से जुड़ी